अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी मीडिया और मैं हूं आमिर हबीब। नाज़रीन, दुनिया भर में दो तरह की तालीमी स्कूल्स कायम हैं, एक सरकारी और एक निजी। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान को तरक्की पजीर ममालिक में शामिल किया जाता है, जहाँ दोहरा निज़ाम नहीं बल्कि तेहरा तालीमी निज़ाम कायम है। अमीरों के लिए प्राइवेट और गरीबों के लिए सरकारी स्कूल्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि तीसरा तालीमी निज़ाम कौन सा है और तीसरे तालीमी निज़ाम की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आई। अगर हम बात करें सरकारी स्कूलों की तो वहाँ का हाल किसी से छुपा हुआ नहीं है। स्कूलों के दरो दीवार उसकी खस्ता हाली बयान करते नजर आते हैं। जहाँ तुलबा और तालबात बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, वहाँ ना तो पीने का साफ पानी मौजूद होता है और ना ही सफाई का इंतज़ाम होता है। स्कूलों में वाशरूम बराए नाम होते हैं, जिनके नलों में कभी पानी आता है और कभी नहीं। इसके अलावा यहाँ के असातिज़ा भी अपने फ़राइज़ से गफलत बरतते दिखाई देते हैं। ज़्यादातर असातिज़ा स्कूलों से गैरहाज़िर रहकर अपनी सिर्फ हाजिरी लगाने आते हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स कायम हैं, जहाँ इतनी भारी फीसें रखी जाती हैं कि कम आमदनी और मुतवस्सित तबका उन स्कूलों में तालीम हासिल करने का ख्वाब ही देखता रहता है। अब बात करते हैं तीसरे तालीमी निज़ाम की। ये गली मोहल्लों में खुलने वाले वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिनका काम फीस लेकर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दाखिला देना होता है। ये कम तालीम याफ्ता लड़कियों को स्कूल में बतौर टीचर नौकरी देते हैं, क्योंकि कम तालीम याफ्ता खवातीन कम तनख्वाह पर मुलाजमत पर राजी हो जाती हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का होता है जिनका नाम तो इंग्लिश मीडियम है, लेकिन यहाँ पर पढ़ने वालों को ना तो अंग्रेजी आती है और ना ही उनकी पर्सनैलिटी को बिल्ड अप किया जाता है। इस तरह गली मोहल्ले के स्कूलों की जरूरत इसलिए पेश आई कि मुतवस्सित और कम आमदनी वाले अफराद सरकारी स्कूलों की खस्ता हाली की वजह से उन स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते और ना ही बड़े प्राइवेट स्कूलों की फीसें भर सकते हैं। लिहाजा इस वजह से ऐसे स्कूलों की जरूरत पेश आई। मगर क्या इंग्लिश मीडियम के नाम पर खोले गए ये स्कूल बच्चों को अच्छी तालीम दे पा रहे हैं? ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अंग्रेजी जबान कभी क्यों नहीं आती? हुकूमत को इसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए और पूरे मुल्क में एक तालीमी निज़ाम कायम करना चाहिए। फीसों के नाम पर भारी रकूम लेने वाले स्कूलों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और हर प्राइवेट स्कूल को सर्टिफाइड करने से पहले ये देखना चाहिए कि इस जगह स्कूल की जरूरत है भी कि नहीं, क्योंकि आजकल एक एक गली में दो दो तीन तीन प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं। पब्लिक टीवी मीडिया देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं आमिर हबीब। मजीद वीडियोस, ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स और मालूमाती प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और विजिट कीजिए पब्लिक टीवी मीडिया .com।